हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक प्यारी सी मिनी व्लॉग। और ये व्लॉग कहीं और की नहीं, केरल के कोची डिस्ट्रिक्ट की है। और यह पार्क जो है हार्ट ऑफ एर्नाकुलम सिटी में लोकेटेड है, जिसे सुभाष चंद्र बोस पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये पार्क जो है महाराजा कॉलेज के बिहाइंड में है। और यह पार्क की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी फील कर सकेंगे। और यहाँ पे हर एक तरह के प्लांट्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल वे से आप नेचर को फील कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। और यह जो है पार्क पब्लिक पार्क है, बच्चे बड़े सब लोग यहाँ आते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आफ्टरनून में ये ओपन होता है और नाइट के 9 PM तक यह क्लोज हो जाता है। तो आज हम आ गए हैं एर्नाकुलम सिटी के हार्ट में लोकेटेड सुभाष बोस पार्क में। और ये देखिए, यहाँ के पार्क काफ़ी प्यारे, बहुत ही सुंदर। मेरी बेबी को तो यहाँ बहुत ही आना पसंद है। पार्क की जो सेंटर में इतने सारे लाइट लगे हैं, उससे वो देखना काफ़ी पसंद है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बेबी को ठहर दिया है और इसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर खेलते रहते हैं। इसे भी अच्छा लगता है। पार्क में सारी फैसिलिटी है बच्चों के लिए, झूले हैं और जितने तरह के स्लाइडिंग वगैरह गेम हैं सारे हैं। बड़ों का भी इधर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। फोटो शूट के लिए ये जगह काफ़ी अच्छा है। कोई भी बैकग्राउंड आदमी को उतना ज़्यादा नहीं पसंद आता है जितना कि ग्रीनरी। और ग्रीनरी जहाँ मिल जाए वो सबसे बेस्ट बैकग्राउंड होता है फोटो के लिए। और साथ ही साथ यहाँ शाम में आप काफ़ी अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, बेबी को लेकर डैडी के साथ ये आगे बढ़ रही है। अभी इसे जो है जाना है उधर खेलने के लिए। तो चलिए पार्क को हम दिखाते हैं आपको और भी आगे। और साथ ही इधर आउटसाइड में, यानी पार्क के इनसाइड में नहीं, आउटसाइड में जो है काफ़ी अच्छे अच्छे जो है फूड के स्टॉल लगे हैं। बच्चे के लिए टॉयज वगैरह हैं, बलून हैं। और ये जो सबसे बड़ी खूबसूरती, सारे पार्क के जो है राउंड में जो है ग्रास से है जो बना हुआ डिज़ाइन, साथ में सेंटर में इलिप्टिकल शेप में जो है लाइट लगी है। बेबी जो टीवी में वॉच करती है सीरियल, उसके अकॉर्डिंग इसे लगता है अरे ये तो डायनासोर का एग है, हमेशा बस उधर ही जाना है मुझे। तो पार्क का सचमुच मज़ा ज़्यादा बढ़ जाता है जब आप बच्चे को साथ लेके आओ, क्योंकि बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं पार्क में। अगर आप संडे वीकेंड में पार्क एक बार आ जाएं तो आपका भी दिल बहुत खुश हो जाएगा, और बच्चे के साथ तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए पार्क की चारों तरफ की खूबसूरती। और यहाँ जो है जितने सारे प्लांट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगते हैं मुझे, क्योंकि मैंने ऐसा प्लांट और कहीं नहीं देखा है। कुछ कुछ जो भी है, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और इधर केरला में जितने सारे मैंने प्लांट्स देखे हैं, इस पार्क में जो भी, वो मेरे लिए सारे न्यू है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, आप वीडियो के लास्ट में बने रहना बिल्कुल। ये सब तो खैर देखा है आपने। और ये जो रास्ता गया है बीच से, इसके बीच में बैठने के लिए बहुत ही अच्छा सा चेयर सिस्टम जैसा बना हुआ है, जिसमें कि आप बैठ सकते हैं। वुडन सिस्टम है। और ये मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, तो अभी दिखाती हूँ इसका एक बहुत ही अच्छा थीम। ये देखिए, इधर जितने भी घर हैं इधर ऐसा ही स्ट्रक्चर बना है। मतलब कि ज़्यादा हैवी रेन होती है तो घर वगैरह जितने बने हैं उसमें इसी तरह डाउन स्ट्रेट का जो वॉल दिया जाता है, इसी तरह। देखिए ब्यूटी, सच में केरला की ब्यूटी जो है ना बहुत ही ज़्यादा अनस्पीचलेस है बिल्कुल। ये देखिए डिज़ाइन पार्क में, ये सारे जो है बने हुए स्टैचू वगैरह। इसके अंदर तो इन करना अलाउड नहीं है। बेबी को बस घूमते जाना है, थकना नहीं है। ऐसे तो पार्क जाने से थक जाती है, और इधर पार्क में बिल्कुल भी थकना नहीं है। तो देखिए प्लांट के जो छोटे छोटे जो रहते हैं इधर, नारियल वगैरह जो कोकोनट वाटर जो चलता है, उसे ही हाफ कट करके छोटे छोटे सारे प्लांट्स इसमें लगा दिए जाते हैं। और दूर से देखिए कितनी प्यारी सी फिश की बनी हुई स्कल्पचर है, जहाँ सब फोटोशूट जरूर करवाते हैं।
तो अब जो है मैं आपको ले जा रही हूँ साइड में, मरीन ड्राइव भी जो है इसके जस्ट साइड पड़ती है। आप चाहे तो मरीन ड्राइव भी के थ्रू जो है इधर आ सकते हैं शाम को वॉक करते करते। यहाँ बहुत ही बेस्ट टाइम स्पेंड होता है। और काफ़ी लोगों की सच में भीड़ है। यूं ही नहीं, पार्क कहते हैं कि बस कुछ नहीं है, लेकिन सचमुच पार्क जाने के बाद जो आंखों को जो तृप्ति मिलती है उसका कहना सचमुच बेकार हो जाता है। तो ये देखिए सब लोग आ रहे हैं, बच्चे के साथ या फिर सिंगल जो कपल्स हैं या फिर जो भी है, सब लोग इधर आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगता है, लगता है बस एक शाम गुजार लिया तो काफ़ी अच्छा। और इधर फोटो शूट हो रही है। और हाँ, कभी कभी कुछ इवनिंग में जो है कुछ ओकेजनली यहाँ पे प्रोग्राम भी होता है, तो प्रोग्राम में सब लोग डांस वगैरह सब कुछ करना वरना सबका लगा रहता है। शूट वगैरह सब इधर मैंने देखा है, तो वो भी इधर होता है क्योंकि इधर का जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है। और मेरी बेटी का जो है मन नहीं भर रहा है, ये तो सबसे अच्छा बिल्कुल इधर है फोटो वगैरह के लिए। इधर से जो रास्ता है तो चलते हैं अब हम लोग साइड जो है लैक हार्बर, इधर से व्यू दिखता है। सारे लोग ज़्यादातर वहीं बैठते हैं कपल, ये देखिए सी साइड। तो आप इधर केरला के कोची में किधर से भी जाए आपको साइड जो है सी व्यू जरूर देखने मिलेगा आपको। और इस सी में आपको बहुत सारे शिप जाते हुए दिखेंगे और बोट भी, और छोटे छोटे जो जेट्टी होते हैं वो भी आपको इधर से देखते मिलेंगे। और साथ ही आप यहाँ पे बोटिंग का एंजॉय भी कर सकते हैं मरीन ड्राइव के थ्रू, जो कि आपके ठीक इसके थोड़े साइड में पड़ती है। आप वहाँ से भी सुभाष बोस पार्क आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और बोट का जो है रेट, यानी बोटिंग का रेट ज़्यादा नहीं है, 100 to 150 है आई थिंक, जब मैं एक बार आई थी पहले भी। तो इस पार्क का इंजॉयमेंट आप जरूर लीजिए अगर आप केरल आते हैं घूमने के लिए, केरल के कोची में। तो ये पार्क का ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा और लाभ उठाएं। ये पार्क सच में बहुत खूबसूरत है। और फिर से स्टार्ट हो गई है इसकी शैतानी। ये लाइट को देख करके ये इसे बार बार ऐसा लगता है कि ये डायनासोर का एग है, बट बार बार यहाँ जाती है और दौड़ती है। तो सबसे बड़ी इंजॉयमेंट होती है आप जब बच्चों के साथ पार्क आओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होगा। और फ्रेंड्स, अगर मेरी ये ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू, और मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।